आप भी बनना चाहते हो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर, तो उसके लिए देना पड़ेगा आपको नॉर्सेट एग्जाम। अब आ गई है नॉर्सेट 8 की बारी और उसकी डेट रिलीज हो गई है 12 अप्रैल 2025। तो पहले क्या होता था, पहले के नॉर्सेट सिर्फ बहुत ईजी होते थे, लेकिन अब पिछले कुछ नॉर्सेट दो भाग में कर दिए गए हैं, प्री और एम्स, जिसमें दो क्वेश्चन पेपर होंगे, दो क्वालिफाई करने पड़ेंगे तभी आप एम्स में सीट ले पाएंगे। पहले के नॉर्सेट में या पहले के जो एम्स के इंडिविजुअल एम्स के एग्जाम होते थे उसमें खाली थियोरिटिकल क्वेश्चन आते थे, बुक से उठाया क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या हो गया है, अब हॉस्पिटल में नर्स कौन से इक्विपमेंट्स को यूज करके पेशेंट की केयर करती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ड्रग्स जो हॉस्पिटल में रोज दे रही होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया आपको, सिनेरियो दे दिए, ठीक है, आपको प्रायोरिटी पूछ ली इस सिचुएशन में नर्स क्या करे। पिछले जिस सालों में पूछे गए उन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि नॉर्सेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ऑक्सीजन मास्क, जो हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के ऑक्सीजन मास्क यूज होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति शरावत और मैंने नॉर्सेट 2 में 32 रैंक प्राप्त किया था। आज है हमारा डे 4 ऑफ 30 डेज नॉर्सेट सीरीज में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, मॉर्निंग शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस, इवनिंग वीडियो में उनके आंसर्स बताए जाते हैं और उनके रीजन बताए जाते हैं कि वो आंसर क्यों है, और उस टॉपिक को डिटेल में समझा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What type of oxygen mask delivers the highest concentration of oxygen? A. Simple face mask, B. Venturi mask, C. Non-rebreather mask, D. Nasal cannula. साथ साथ मास्क भी देखते चलेंगे। तो ये हमारे पास फेस मास्क, ये एक फेस मास्क है, सिंपल प्लेन फेस मास्क, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्ट होता है, ये मेटल स्ट्रिप है ताकि नाक पे फिट हो सके, ये इसके एक्सहेलेशन पोर्ट है। फेस मास्क हो गया, आपने देख लिया फेस मास्क। अब हम देखते हैं वेंचुरी मास्क, ठीक है, ये हमारा वेंचुरी मास्क है। ये क्या करते हैं, हमें कुछ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन बताई गई होती है, किसी किसी पेशेंट को उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करनी होती है, तो हम इस वाले मास्क से सेट करके यहाँ पे ऑक्सीजन रेट हम उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। सेम है फेस मास्क का, एक क्लिप है, ये एक्सहेलेशन पोर्ट्स है, यहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर होगी, यहाँ से कनेक्ट होगी, वेंचुरी मास्क हो गया है। अब हम देखते हैं थर्ड में है हमारे पास नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसको NRBM भी बोलते हैं, क्लिप है, एक्सहेलेशन पोर्ट है, ये वन वे वॉल्व होती है इधर इसमें, और ये हमारा बैग है, ठीक है। तो यहाँ ये जब एक्सहेल करते हैं तो ये खुलता है, इनहेल करते टाइम बंद हो जाता है पोर्ट्स। और ये हमारा लास्ट है नेजल कैनलास, ठीक है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन कनेक्ट होता है। ये पीड्स का है मेरे पास अभी, मतलब बच्चों वाला है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रोंग्स होते हैं, ये नोज में ऐसे फिट होते हैं, ठीक है, ये बहुत सही रहता है अगर किसी को लो कंसंट्रेशन देना होता है, क्योंकि फेस मास्क में ऐसे सफोकेशन सा फील होता है, क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है लोगों को। इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कान पे आगे की तरफ भी रख सकते हैं, अगर लेटना है पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी चार, एक पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क भी होता है, वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, और फिर बाद में जो बाद के ऑप्शन होते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, आर्टिफिशियली अगर ऑक्सीजन देना है तो किसी की ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं, टी पीस लगा देते हैं, या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप ऑफ फेस मास्क। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसने पूछा है कौन सा मास्क है जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल दे देती हूँ, उस टेबल में आप साथ साथ देखते जाएंगे कि कितना कितना परसेंट कौन सा मास्क डिलीवर करता है। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास ये बैग वाला मास्क होता है, इसको हम नॉन रीब्रीदर मास्क बोलते हैं। इसमें आके ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है और ये काफ़ी सिक पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारा NRBM मास्क है, ये 6 से लेके 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है और 6200% कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, नॉन रीब्रीदर मास्क। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट हु रिक्वायर्स प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये मैंने पहले भी बताया, अगर किसी को प्रिसाइज कंसंट्रेशन देना है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको 5 ml देना है, ठीक है, 5 ml पर मिनट से ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमें 5 ml ही प्रोवाइड करना है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, डी नॉन रीब्रीदर मास्क। तो इसका आंसर है बी, वेंचुरी मास्क, जो प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर कर देता है, ये वाला मास्क, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेट करेंगे 5, 6, 7, 8 जितना भी देना है, ओके। तो जो वेंचुरी मास्क है वो 4 से लेके 10 लीटर पर मिनट तक वो ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, ठीक है, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है वो है 24-55% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। और ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा मास्क कितनी FiO2
एक मिनट में दे सकता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसलिए मैं ये टेबल यहाँ पे रख रही हूँ, आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टिपिकल ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर आर नेजल कैनला। जो नेजल कैनला दिखाया था मैंने आपको कि उसका फ्लो रेट क्या रहेगा, ये होता है नेजल कैनला, फिर से दिखा देती हूँ। इसका फ्लो रेट कितना रहेगा, ए 1-6 लीटर पर मिनट, बी 6-10 लीटर पर मिनट, सी 10-15 लीटर पर मिनट एंड डी 15-20 लीटर पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1-6 लीटर पर मिनट। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो जो नेजल कैनला है वो 1-6 लीटर तक एक मिनट में ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, और वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन देगा, कितने परसेंटेज देगा, तो वो रहेगा 24% से लेके 44%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिजर्वायर बैग इन अ नॉन रीब्रीदर मास्क। जो हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क है उसमें जो रिजर्वायर बैग होता है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, टू ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन, नहीं, क्योंकि वो ह्यूमिडिफायर करता है जो पोर्ट में लगा रहता है जिसमें पानी डालते हैं हम, ताकि ड्राई म्यूकोसा ना हो, नेजल म्यूकोसा ड्राई ना हो। बी टू स्टोर एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, स्टोर करने के लिए नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड को। सी टू स्टोर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द पेशेंट टू इनहेल। ये देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, हम इसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके दूसरे पोर्ट को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। तो ये 2/3 हमें फुल करके रखना है हमेशा, ताकि जिससे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट के पास चली जाए, जो काफ़ी जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम डी देख लेते हैं, टू मेजर द पेशेंट टाइडल वॉल्यूम, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ मास्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर पेशेंट विद COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो क्रॉनिक है बहुत टाइम से उस पेशेंट को, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीजन डिलीवरी। ऐसे पेशेंट को हम ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनकी प्राइम जो डिज़ायर होती है, अगर इनके पास पूरा हम वॉश आउट करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकलवा देंगे, तो उनकी ब्रीद करने की डिज़ायर ही कम हो जाएगी। तो बस हम इनको मेंटेनेंस के लिए बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन देते हैं ऑक्सीजन की, बिल्कुल थोड़ी सी देते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नॉन रीब्रीदर मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा देता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी वेंचुरी मास्क, इसका करेक्ट आंसर है बी वेंचुरी मास्क, क्योंकि वेंचुरी मास्क प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन, हम उसको जितना बोलेंगे उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करेगा पेशेंट को। सी पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ये भी हम पेशेंट्स को देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। डी सिंपल फेस मास्क भी नहीं देंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ये थे हमारे क्वेश्चन प्री के लिए, अब हम देखते हैं मेंस के क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज ब्रॉट टू एमरजेंसी रूम, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही, सांस नहीं ली जा रही है, उसे एमरजेंसी रूम में लेके आए। दी नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज साइनोटिक, पेशेंट नीला पड़ चुका है, साइनोटिक होता है नीला, एंड हैज़ एन ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ 82%, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसकी 82%, जो कि 98, 99, 100% होना चाहिए नॉर्मल पेशेंट का, वो 82% है। विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस शुड द नर्स यूज इनिशियली टू डिलीवर द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा डिलीवरी डिवाइस यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देगा। ए नेजल कैनला, बहुत कम देता है, नहीं यूज़ करेंगे एमरजेंसी सिचुएशन में। बी वेंचुरी मास्क, दो ये प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन देता है पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सी सिंपल फेस मास्क, उससे भी काम नहीं चलेगा। डी नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसमें हमारे बैग होगा, जिसमें हमारे पास बैग होगा, इसमें ऑक्सीजन फिल्ड रहेगी और ये पेशेंट को देगी। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, ए COPD पेशेंट, दोबारा से COPD पेशेंट आ गया है हमारा, इज एडमिटेड विद एक्सर्बेशन ऑफ सिम्टम्स, उसके बढ़ गया है एकदम। दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स ऑक्सीजन थेरेपी टू मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन बिटवीन 88-92%, बिल्कुल प्रिसाइज बोला गया, 88-92% तक उसको मेंटेन करना है। विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट, इसका आंसर आपको पता होगा। ए नॉन रीब्रीदर, बी वेंचुरी, सी सिंपल फेस मास्क, डी नेजल कैनला। तो इसका करेक्ट आंसर है वेंचुरी मास्क, क्योंकि वही हमें प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पेशेंट ऑन अ सिंपल फेस मास्क इज एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट एंड रिमूव्स अ मास्क फ्रीक्वेंटली, व्हाट इज द नर्सिस फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन। एक पेशेंट है, वो बार बार अपना फेस मास्क हटा रहा है क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है मास्क लगाने की वजह से, तो वो बार बार हटा रहा है, तो नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन देखते हैं, ए स्विच टू नेजल कैनला फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी, खुद से नहीं चेंज करेंगे कभी भी नर्सिस। बी एजुकेट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, उस टाइम सबसे पहला हमारा नर्सिस टॉप प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम उसको बैठ के समझा रहे हैं कि आप ऑक्सीजन लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे हो, ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है, ये नहीं करेंगे। सी असेस द पेशेंट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड ब्रीदिंग स्टेटस, क्योंकि वो बार बार हटा रहे तो उसकी हालत और बिगड़ तो नहीं गई है, ठीक है, या उसकी अभी ब्रीदिंग स्टेटस क्या है,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4. अ पेशेंट ऑन अ नॉन रीब्रीदर मास्क बिगिंस टू शो शाइंस ऑफ कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस. मतलब नॉन रीब्रीदर मास्क है वो बैग वाला है जो हमारा जो बार बार दिखा रही हूँ मैं आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो क्या करने लगा है, उसको कन्फ्यूजन होने लग गया है और वो रेस्टलेस हो रहा है. ठीक है, तो वट इज़ द नर्सिस प्रायोरिटी एक्शन. टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की? ए, इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, खुद से नहीं करेंगे. बी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमिडिएटली. बाकी ऑप्शन भी देखते हैं. सी, एनश्योर द रिजर्वर बैग इज इन्फ्लेटेड प्रॉपरली एंड असेस ऑक्सीजन सेचुरेशन. कई बार क्या होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि इसकी ट्यूब्स है उसमें किंक ना हो, मुड़ी ना हो. अगर मुड़ी होगी तो ऑक्सीजन पूरा ये इन्फ्लेट ही नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लग जाएगा तो कन्फ्यूज होने लग जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाती है बॉडी में तो कन्फ्यूजन रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, ये एक साइन होता है उस चीज़ का. तो हमें नोटिफाई करने से पहले हमें अपनी एंड से देख लेना है कि सब ठीक तो है, कहीं से ट्यूब व्यूब भी नहीं मुड़ी हुई है. और ऑप्शन नंबर डी है स्विच टू अ वेंचुरी मास्क, खुद से नहीं चेंज करेंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. अब लोगों को ऐसा लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था, बट नहीं, पहले हम अपने एंड से देखेंगे कि सारी चीज़ें ठीक तो हैं, कभी कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुड़ी तो नहीं हुई है ट्यूब. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ अ की नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन वाया नेजल कैनला. कि क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है जो बहुत ज़रूरी है जब हम नेजल कैनला से ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को. ठीक है, ए, एनश्योर द मास्क इज सिक्योरली फिटेड टू प्रिवेंट लीक्स. बी, मॉनिटर फॉर स्किन ब्रेकडाउन अराउंड द नोज एंड ईयर्स. सी, एडजस्ट द फ्लो रेट अबव 10 लीटर फॉर इफेक्टिवनेस. वो 10 लीटर तो डिलीवरी नहीं करता, 1 से 6 लीटर करता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. डी, इन्फ्लेट द रिजर्वायर बैग बिफोर एप्लीकेशन. उसमें रिजर्वायर बैग होता ही नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मॉनिटर फॉर स्किन ब्रेकडाउन अराउंड द नोज एंड ईयर्स. क्यों वो बताती हूँ मैं. तो देखो ये कैसे लगाया जाता है, इसको ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे कान पे फिट करते हैं. ठीक है, कान पे ऐसे फिट करेंगे तो क्या होता है, इतना देर पूरा दिन लगा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन होगी यहाँ पे, ऐसे छिलने का, उसकी स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस हो जाएंगे. तो यहाँ पे या तो हम ऐसे वैसलीन लगा देंगे या कॉटन स्वैब रख देंगे. ठीक है, और नोज़ में भी देखना है ये क्या करता है, बहुत ड्राई कर देता है नेजल म्यूकोसा को, तो वो भी असेस करते रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन वाया वेंचुरी मास्क कंप्लेन्स ऑफ ड्राई नेजल पैसेज. उसका नेजल पैसेज बहुत ड्राई हो गया, मतलब नाक में हवा जा रही है, ऑक्सीजन बहुत ड्राइंग इफेक्ट कर देती है, बहुत सुखा देती है नेजल म्यूकोसा का. व्हाट शुड द नर्स डू? ए, स्विच टू अ नॉन रीब्रीदर मास्क, नहीं, खुद से नहीं चेंज करेंगे कभी भी. डी, बी, डिक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, हम नहीं कम या ज़्यादा करेंगे. सी, अटैच अ ह्यूमिडिफायर टू ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. तो हमें चेक करना है कि कई बार क्या होता है, एक ह्यूमिडिफायर आता है, हम उसको लगा देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो क्या होती है, मॉइस्ट ऑक्सीजन जाती है हमारे पास, तो वो ड्राई नहीं करती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटैच अ ह्यूमिडिफायर टू ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. और ऑप्शन नंबर डी भी देख रहे थे, एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक मोर फ्लूड. पीने को बोलेंगे तो उसका ओरल म्यूकोसा ठीक होगी ना, नेजल म्यूकोसा थोड़ी ठीक हो जाएगी. तो ये थे हमारे कुछ 6 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो एक बार हम लास्ट में समराइज कर लेते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे कौन से मास्क. तो इधर दिया गया है पर फिर भी देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले देखते हैं नेजल कैनला देगा जो 24 to 44%, ऐसे ऐसे बता दी जाऊंगी, ये सबसे सिंपल है तो सबसे कम देगा. ठीक है, हमारे फेस मास्क है वो देगा 40 to 60%. ठीक है, आपको फेस मास्क से एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे फेस मास्क लगाया तो किसी किसी को, हमें पेशेंट को ध्यान देना है जो थोड़े अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं कि वो वॉमिटिंग ना कर दे मास्क के अंदर और वो ऐसे बंद रहता है और वो एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं. तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन है और नर्सिंग की टॉप प्रायोरिटी भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. अब हम देखते हैं सी, वेंचुरी मास्क कितने परसेंट देता है, 24% to 55% डिलीवर करता है. और लास्ट बचा हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क NRBM जिसको बोलते हैं, वो 60% to 100% कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर करता है. इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए. हमारा ऑक्सीजन मास्क से रिलेटेड टॉपिक, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो के थ्रू, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री और मेंस में वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं आएगी अब और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो आइकन को ऑन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और आप नॉर्सेट 8 जल्दी से क्लियर करें अच्छे तरीके से. अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि भाई टफ बहुत आने लगा है एग्ज़ाम. पहले तो बहुत ईजी एग्ज़ाम आता था, अब बहुत टफ आता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अदर वीडियोज़.